दोस्तों आज हम देखने वाले हैं द कंजरर्स रिवेंज को, जिसे लिखा है स्टीफन लीकॉक ने। दोस्तों ये स्टीफन लीकॉक पहले टीचर की सर्विस कर चुके हैं, उन्होंने कनाडा में की थी टीचर की सर्विस। स्टीफन लीकॉक टीचर के साथ साथ अच्छे राइटर और अच्छे फिलोसोफर भी थे। दोस्तों आज हम जो कंजरर्स रिवेंज स्टोरी देखने वाले है वो लिटररी लेप्सिस में से ली गई है, जो कि स्टीफन लीकॉक का ही वर्क है। दोस्तों इस स्टोरी में टोटल दो कैरेक्टर्स है, एक है जादूगर और दूसरा कैरेक्टर है क्विकमैन। फ्रेंड्स पूरी स्टोरी में इस क्विकमैन को क्विकमैन के नाम से ही पहचाना जाता है, राइटर ने इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी देखते हैं। एक जादूगर लोगों को उसका जादू दिखा रहा था। लोगों को जादूगर का जादू देखकर बड़ा मजा आ रहा था। जादूगर ने एक खाली कपड़े में से मछली निकाल दी। अरे भाई गजब हो गया, वो कपड़ा खाली था। तो ऑब्वियसली दोस्तों जब लोगों ने ये जादू देखा होगा तो वो तो हैरान रह गए होंगे। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कपड़ा तो खाली था तो ये जादूगर ने उसमें से मछली निकाली कैसे किया इसने। पर दोस्तों वहाँ उन लोगों में एक आदमी था जिसे इस पूरी स्टोरी में क्विकमैन नाम से पहचाना गया है। तो वो क्विकमैन ने जब ये जादू देखा और उसने देखा कि लोग जादूगर के जादू पर विश्वास कर रहे हैं, यानी कि उसने देखा कि लोग जादूगर के मछली वाले जादू पर सोचने पर मजबूर हो गए है, तो उसी वक्त ये क्विकमैन उन लोगों को जोर से बोला कि ये जादूगर ने ये मछली उसकी शर्ट में से निकाली है। अब ये सुनकर लोगों ने पार्टी बदल दी। लोग कहने लगे कि ये आदमी सही बोल रहा है, ये जादूगर ने ऐसा ही किया है। अब जब जादूगर ने देखा कि लोग उनके मन बदल रहे हैं, तो उसने एक और जादू किया। अब जादूगर एक हिंदुस्तानी रिंग्स लेकर आया था जो कि सब अलग अलग थी, मगर उस जादूगर ने कुछ ऐसा चमत्कार किया, उस जादूगर ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो रिंग्स जो सब अलग अलग थी वो एक हो गई। अब ये देखकर लोगों को फिर से इस जादूगर पर विश्वास होने लगा, लेकिन फिर से वो क्विकमैन वहाँ पर मौजूद ही था। अब क्विकमैन फिर से जोर से बोला, ये जादूगर ने कोई असली जादू नहीं किया, उसने ये सारी चीजें उसकी शर्ट में से निकाली है। अब ये सुनकर लोगों ने फिर से उनके मन बदल दिए। लोग ऐसा डिस्कस करने लगे कि ये आदमी सही कह रहा है, ये जादूगर ने कोई असली जादू नहीं किया, उसने ये सारी चीजें उसके शर्ट में से ही निकाली है। अब जादूगर ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा जादू करना होगा कि लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं असली जादू ही कर रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तो उसने क्या किया है पता है दोस्तों? उसने आए हुए लोगों में से एक के पास से हैट ली और उस जादूगर ने उस हैट में से सिर्फ 25 सेकंड में ही 17 अंडे निकाल दिए। अब ये देखकर तो लोग हैरान हो गए, लोगों को ये जादू काफी पसंद आया। अब जादूगर सोचने लगा कि अब मैं देखता हूँ कि ये जो आदमी बोल बोल कर रहा था वो अब कैसे बोलता है। अब जादूगर को लगा कि लोगों को सच में ऐसा लगने लगा है कि मैं जादू ही कर रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। लेकिन फिर से वहाँ पर जो क्विकमैन था वो जोर से बोल उठा कि जादूगर ने ये अंडे उसकी शर्ट में से निकाले है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी शर्ट में काफी सारी चीजें मौजूद है जो एक एक करके वो बाहर निकाल रहा है। और इस तरह दोस्तों उस क्विकमैन ने जादूगर की बनी बनाई मेहनत पर पानी फेर दिया। फ्रेंड्स उसके बाद जादूगर ने और भी जादू दिखाए, जैसे कि पत्ते निकालना, ब्रेड के पीस, पत्थर की चेयर बनाना वगैरह, लेकिन हर बार ये क्विकमैन उस जादूगर के जादू पर पानी फेरता गया। वो हर बार कहता गया कि ये जादूगर ये सारी चीजें उसकी शर्ट में से निकाल रहा है। और ये सुनकर लोग इस क्विकमैन की बातों में हाँ मिलाते गए दोस्तों। अब ये जादूगर इस क्विकमैन से परेशान हो जाता है और अब वो इस क्विकमैन से बदला लेने का सोचता है। अब जादूगर ने क्विकमैन से बोला कि मैं अब एक जापानी जादू दिखाने वाला हूँ जो कि एकदम नया है, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारे हाथ में जो सोने की क्लॉक है वो चाहिए होगी। अब ये सुनकर क्विकमैन ने उस जादूगर को उसके हाथ में जो सोने की क्लॉक थी वो उतार कर दे दी। अब जादूगर ने उस सोने की क्लॉक को अलग अलग टुकड़े कर दिए और उस पर हथौड़ा मारकर उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स जब जादूगर ने ऐसा किया
तो क्विक मैन को ऐसा लगा कि उसने मेरी क्लॉक को उसकी जेब में छिपा ली होगी। वो जादूगर की चाल को समझ नहीं पाया दोस्तों, वो जादूगर के बदले को समझ नहीं पाया। उसके बाद जादूगर ने क्विक मैन के पास से उसका रुमाल लिया और उसमें काफी सारे होल कर दिए। उसके बाद जादूगर ने क्विक मैन से उसकी हेड भी ली और उस हेड पर वो जंप करने लगा, यानी कि ये जादूगर उस हेड को उसके पैर से कुचलने लगा। इस तरह उसकी हेड को बर्बाद की गई। उसके बाद जादूगर ने क्विक मैन से उसके चश्मे भी लिए और उसको हथौड़ा मारकर जादूगर ने बर्बाद कर दिया। और दोस्तों इस तरह से जादूगर ने क्विक मैन से उसकी अलग अलग चीजें ली और उसको बर्बाद कर दिया। मगर ये जादूगर की चाल को ये हमारा क्विक मैन समझ नहीं पाया। क्विक मैन ने जादूगर की चाल को नहीं समझा। क्विक मैन ने ये नहीं समझा कि जादूगर बदला ले रहा है। फ्रेंड्स, ये क्विक मैन कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। हालांकि उसने खुद ही जादूगर को ये सारी चीजें दी थी। ऐसा नहीं था कि जादूगर ने जबरदस्ती से ली थी ये सारी चीजें। ये क्विक मैन ने उसके सगे हाथों से दी थी ये सारी चीजें। मगर ये जादूगर की चाल को क्विक मैन समझ नहीं पाया और इस तरह क्विक मैन बर्बाद हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये जादू को देखकर लोगों को बड़ा मजा आ गया, लोग काफी खुश हो गए। फिर जादूगर लोगों से बोलता है कि अगर आपकी परमिशन हो तो इस क्विक मैन के बेल से मैं एक जादू करना चाहूंगा, नहीं तो ये शो यहाँ पर ही खत्म होता है। और दोस्तों इस तरह लोगों को जादूगर के जादू को देखकर काफी मजा आ गया और लोगों को ये भी समझ आ गया कि वाकई सारे जादू नकली नहीं थे, कुछ जादू ऐसे भी थे जो असली थे। जादूगर ने खुद से किए थे वो जादू, उसकी हाथों की चालाकी से उसने ये जादू किए थे। और दोस्तों इस तरह जादूगर क्विक मैन से बदला ले लेता है और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। शुक्रिया।